बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं इस्लामियात के दूसरे सबक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। कल हमने सबक नंबर एक में जो सफ़र नंबर 11 पर जितने भी अल्फाज थे उनके माने मैंने आपको जहन नशीन करवाए थे, मगर एक पॉइंट जो कल की वीडियो में रह गया था वो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जितने भी अल्फाज हैं जिनके माने आप लोगों ने याद करने हैं, इनमें ज़्यादातर जो अल्फाज होंगे ये वो अल्फाज होंगे कि जिनके हरूफ असली यानी कि जिनसे अल्फाज बने हैं उन्हीं से निकले हुए लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक लफ्ज़ सुना हुआ है और रोज़ पढ़ते हैं, इल्म। इल्म का मतलब है जानना, और इल्म से अब बहुत सारे लफ्ज़ निकले हैं। मसलन आलिम, जानने वाला, मुअल्लिम इल्म देने वाला जो हम उस्ताद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी की मुअन्नस मुअल्लिमा, अल्लामा बहुत ज़्यादा इल्म वाला। इस तरह से बहुत सारे लफ्ज़ हैं, तालीम, ताल्लुम, मुतअल्लिम यानी शागिर्द के लिए इस्तेमाल होता है, इसी की मुअन्नस मुतअल्लिमा। तो ज़्यादातर जो अल्फाज होंगे ये वही अल्फाज होंगे कि जो अरबी के जो अल्फाज जो आपको मैं ज़हन नशीन करवाऊँगा, मेरा इशारा उन लफ्ज़ों की तरफ होगा कि जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, ताकि उधर आपका जहन जाए और आप उसके ज़रिए से आपकी किताब के अंदर जो अरबी के अल्फाज हैं वो ज़हन नशीन हो जाएँ। अब कुछ अल्फाज ऐसे ही होंगे कि जो हुरूफ़े असली से नहीं होंगे, मगर मैं जो है इशारतन जो है आप लोगों को समझाऊंगा कि आप जो है ना अपना जहन उस तरफ ले जाएं तो आपको आसानी से उस वो अल्फाज का माना आपके जहन में बैठ जाए। जैसे कल एक लफ्ज़ था अल अनफाल, तो मैंने आपको वो जहन नशीन करवाने के लिए इशारा और आपका मैं जहन ले गया था नफिल की तरफ। हालांकि नफिल की जमा अनफाल नहीं आती, नफिल की जमा नवाफिल आता है। अल अनफाल के कई माने हैं, मगर आपकी किताब में माल गनीमत आ रहा था तो इसलिए मैंने आपका जहन नफिल की तरफ ले गया, क्यों ताकि क्योंकि नफिल नमाज में क्या होता है कि भाई आप पढ़ लें तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आपको इशारतन समझाने के लिए कि जब दो फौजें आपस में लड़ती हैं तो उनका मकसद माल गनीमत हासिल करना नहीं होता, उनका मकसद होता है अपने दुश्मन को शिकस्त देना, उसको तबाह बर्बाद करना। माल गनीमत तो वो तो जंग जीतने की सूरत में ने खुद ब खुद हासिल हो जाता है, जिस तरीके से आप नफिल नमाज पढ़ते हैं तो आपको सवाब मिल जाता है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं है। तो ये एक इशारा आपको मैंने दिया था कि अल अनफाल का जो माना माल गनीमत वो आपके जहन नशीन हो जाए। पहला लफ्ज़ है आपके सबक का युगश्शी, युगश्शी से आपके जहन में लफ्ज़ आता है घशी, भाई उस पर घशी तारी हो गई, यानी बाज़ औक़ात कोई नशावर चीज़ ले लेते हैं तो इंसान के जहन पर अंधेरा छा जाता है, एक घशी तारी हो जाती है, तो उसी से लफ्ज़ बन गया युगश्शी। अंधेरा क्या काम करता है, वो आपको ढांप देता है, तो यही माना आप जहनशीन कर लें, वो ढांप देता है, तारी कर देता है। रिज्ज शैतान, अब शैतान का लफ्ज़ तो आपने सुन रखा है, रिज्ज जो है ये उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, इसका माना है नापाकी नजासत, तो ये रिज्ज जो है आपने लफ्ज़ जहनशीन करना है नापाकी नजासत, तो इसी से आपको लफ्ज़ जहनशीन करना है शैतान की नजासत। ज़ाफ़न, ये लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता और इससे जो लफ्ज़ निकलते हैं वो भी उर्दू में मुस्तमल नहीं है, तो ये भी जो है आपको जहनशीन करना पड़ेगा, यानी इस लफ्ज़ को आपको किसी की तरफ मंसूब करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे दो दोस्त आपस में बैठे हुए, कोई भी आप तसव्वुर कर लें, कोई भी जो है जहनशीन कर लें कि आपने अपने दोस्त को वैसे ही एक थप्पड़ मार दिया और वो आपसे उलझ पड़ा,
तो उस मौके पर आप दिमाग में बिठा लें कि भाई जाफन जाफन, मैं तो ऐसे लश्कर कशी कर रहा था, तो इस तरीके से आपके दिमाग में ये जाफन का लफ्ज़ जो है, यानी इसका माना लश्कर कशी की सूरत में आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगला लफ्ज़ है रमैता। रमैता देखिए, हज के दौरान आपने एक बहुत सारे वाजिबात हैं जो एक हाजी जो है, जो हाजी वाजिबात अदा करते हैं, उसमें तो एक वाजिब रमी भी है, यानी जो शैतान को पंखड़ियाँ मारते हैं, तो रमी से आपके जहन में लफ्ज आना चाहिए रमैता। तो वो कंकरी भी फेंकते हैं, तो यानी तूने फेंका। अनुआस ये उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, तो ये भी आपको दिमाग में कोई चीज़ बिठानी पड़ेगी कि मिसाल के तौर पर आपका कोई दोस्त है जो क्लास में बहुत ज़्यादा ऊँगता है, या घर में आपका बहन भाई जिसको बहुत ज़्यादा ऊँग आती है, बहुत ज़्यादा गुनूदगी आती है, बैठे बैठे जो है वो सो जाता है, तो ये लफ्ज़ आप उसके साथ जोड़ दें कि या तो मैं अनुआस बहुत आती है, तो जब वो अनुआस से आपका वो दोस्त, आपका कज़न या आपका बहन भाई जहन में आएगा, तो अनुआस का माना ऊँग या गुनूदगी भी खुद ब खुद आपके जहन में आ जाएगी। उसके बाद अगला लफ्ज़ है अल आनाक। ये जमा है, इसके बाद आती है उनुक। उर्दू में इस्तेमाल नहीं होती, मगर एक भाई फ़िका की किताबों में ये लफ्ज़ काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, मगर आप जहनशीन कैसे करेंगे, वैसे ही कि जैसे आप किसी दोस्त को दिमाग में बिठा लें, आपने उसकी गर्दन को दबोच लिया है, यानी उसकी उनुक को, उसकी जमा क्या आ गई, अल आनाक, गर्दने। बनान, ये भी आप इसी तरीके से जहनशीन करेंगे, यानी पोर पोर जोड़ जोड़, ये जो आपकी उंगलियों के जो जोड़ हैं, ये हाथ के कोहनी के, ये सब जोड़ हैं, तो आप इसी तरीके से कोई भी जो है कोई जुमला अपने दिमाग में जहनशीन कर लें कि जनाब मैं तेरे जोड़ जोड़ तोड़ दूंगा, ये तेरे बनान तोड़ दूंगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं बड़े ख़तरनाक जुमले बनवा रहा हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी जुमला बना लें। मुतहर्रिफन लिकिताल, देखिए मुतहर्रिफन से आपके जहन में हर्फ आ जाएगा। हर्फ क्या होता है, मुख्तलिफ हरूफ में क्या होते हैं लफ्ज़, नए नए लफ्ज़ कैसे बनते हैं कि हम हर्फ की यानी कि हरूफ की जगह तब्दील करते रहते हैं, हरूफ की जगह हम बदलते रहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने अगर लफ्ज़ बाग लिखना हो तो मैं जैसे आपको समझा रहा था, लफ्ज़ मतलब बाग, अब मैंने इसकी जगह तब्दील की तो लफ्ज़ बन गया गाब, तो ये यानी कि हरूफ एक दूसरे की जगह तब्दील करते हैं तो नए नए हरूफ बन जाते हैं। तो मुतहर्रिफन यानी जंग के अंदर क्या होता है, जंग के अंदर देखें मेन मकसद तो होता है कि दुश्मन के सामने डटकर मुकाबला करना, पीठ ना दिखाना, मगर असल मकसद होता है दुश्मन को शिकस्त देना, दुश्मन को शिकस्त देना। अब दुश्मन को शिकस्त देने के लिए आपको मैदान जंग में अपनी जगह तब्दील करनी पड़ जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, यानी एक जंगी चाल के तौर पर आप पीछे आ जाएं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, तो इसलिए इसी बात को जहन नशीन करते हुए आपने ये जहन नशीन करना है। किताल जंग को बोलते हैं, किताल जंग को बोलते हैं, इसलिए जिहाद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा ये जंगी चाल के तौर पर, जंगी चाल के तौर पर। लियुबलिया, लियुबलिया से आपके जहन में लफ्ज़ आ रहा है मुबतिला, अगर मुबतिला आपके जहन में लफ्ज़ आ रहा है तो फिर आसानी से आप लियुबलिया जहनशीन हो जाए, क्योंकि मुबतिला इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो एक आजमाइश होती है, वो किसी आजमाइश में मुबतिला होता है, तो मुबतला आपके दिमाग में आ रहा है तो फिर युबलिया का माना आप आसानी से जहनशीन कर लेंगे ताकि वो आजमाए,
मुबतला, इंसान किसी मुसीबत में मुबतला होता है तो उसकी एक आजमाइश होती है वो। आखिरी लफ्ज़ आपके सबक का मोहिनो, इसे आप कैसे जहनशीन करेंगे? मोहिनो से आपके जहन में लफ्ज़ आ रहा है तोहीन। देखिए आप तोहीन किसकी करते हैं? कमज़ोर आदमी की करते हैं, ताकतवर आदमी की में किसी में हिम्मत नहीं है कि उसकी तोहीन करके दिखाए। तो लिहाजा इसी से लफ्ज़ इसमें फ़ायल बना हुआ मोहिनो, कमज़ोर करने वाला। अब आप अपने जहन में जो पॉइंट बिठाएंगे, तोहीन यानी तोहीन हम करते हैं किसी कमज़ोर आदमी की, तो जब मोहिनों से तोहीन आपके दिमाग में आएगा तो फिर उसका माना भी आपके दिमाग में आ जाएगा कि मोहिनों का माना है कमज़ोर करने वाला। यह आपका सबक जो है आज का कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ये तीसरा सबक हम जल्द ही अपलोड करेंगे। शुक्रिया।